हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकल छोरा ब्लॉग्स। तो आज आ चुके हम अपना थर्ड ब्लॉग लेके, जो कंटिन्यू चले हमारे। और फिलहाल ऊपर से तो बर्फ़ आ चुकी है, बर्फ़ क्या धूप आ चुकी है, और मैक्सिमम बर्फ मतलब पिघल गई है। बस जो टॉप टॉप की है वो रह गई है, जैसे जो बिल्कुल हाइट में वो रह गई है, बाकी जो यहाँ वाली थी तो बिल्कुल ही ख़त्म है। और हमारी अभी ठीक ठाक ही है, क्योंकि अभी बर्फ़ यहाँ पहुँची ही नहीं है। फिलहाल अभी हम हैं घर के बाहर, ऐसे ही घूमने फिर निकले हुए। और ये हमारे पेड़ों की हालत, जो कटिंग करने के बाद होती है, और आगे का व्यू देख सकते हैं आप लोग, मतलब कि कबाड़ है आगे, मतलब जैसा ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा यूनिक सा ही लग रहा है। पहले देखो कहाँ था नीचे रास्ता, अखरोट का पेड़ तो ये था, इसके आगे था काफ़ी, और अब तो बिल्कुल मतलब मुँह के आगे आ गया ये। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, बस आज मौसम ठीक है और हमारा लक ठीक है, और आज हम जाएंगे बॉलीवुड खेलने फिलानी वाली को, और आपको दिखाएंगे हमारा होम ग्राउंड जो है, और कुछ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फिलहाल बस वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं, तो मिलते हैं। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, फिर रात में धो के निकलते हैं न्यूली को। तो हे गाइस, तो तुम्हारा भाई चल पड़ा है न्यूली की ओर, और पूरे 4 दिन के बाद जा रहे हैं आज हम खेलने। फिलहाल अभी हम घर के वहाँ से ही है, पीछे देखते हैं आप। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा न्यूली पहुंचने में, और पिच का पता नहीं क्या हाल होगा क्या नहीं, बर्फ़ की वजह से खेल भी पाएंगे कि नहीं। और हमने ये रेत निकाला था, और इस रेत की हालत देखो, पूरे में फैल गया यहाँ से, मतलब खाली, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ। फिलहाल अब चल पड़ते हैं न्यूली की और पैदल ही पैदल। एक ज़माना था जब ऊपर जाते थे, और एक ज़माना जब यहाँ से जा रहे हैं हम। यहाँ देखते आप रेत की क्या बड़ी मोटी, मतलब खदान बोल सकते हैं आप रेत की। ये फ्लड टाइम के हाल देखो, डंगे टूट गए हैं ज़्यादा। तो मिलते हैं आपको न्यूली में, सीधा ग्राउंड पे। फिलहाल भागते थोड़ा, चलते थोड़ा। तो गाइज ये चेक करो, ये हमारा होम ग्राउंड, तब अभी तक बंदे नहीं आए हैं, विवेक को भेजा है तो आएगा थोड़ी देर में। तो ये है हमारा होम ग्राउंड का व्यू, ऊपर देख सकते हो वो भी बर्फ लगी हुई है। तो इसके बाद देखते हैं कितने बंदे आते हैं कितने नहीं, और फिर खेलते हैं। और यहाँ पे मतलब कि बर्फ़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल यहीं पीछे ट्रांसफार्मर का काम चला है थोड़ा छोटा मोटा, यहाँ ऊपर को शांगड़ आता है आपका, ऊपर को शंशर, दोनों एक साथ ही है, मतलब शंशर साइड प्रॉपर बर्फ दिख रही है, शांगड़ साइड दिख ही नहीं है, क्योंकि धूप आई है बिल्कुल ही, मतलब मुँह पे ही समझ लो आप। ये था हमारा एक टाइम का स्कूल, और ये प्राइमरी है, वो मिडल, न्यूली में 2 स्कूल है। और यहाँ पर मतलब कि पहले तो ठीक ही बच्चे थे, अब तो कम शम ही रह गए हैं। फिलहाल करते हैं अब इंजॉय, और दिखाते हैं अब आपको बाद में, मिलते कुछ देर बाद। तो गाइस आ चुका हूँ मैं न्यूली से अभी खेल खूल के, क्लिप नहीं मैं बना पाया जल्दबाजी में, क्योंकि मैच लगे था आज फटाफट। तो यहाँ है वो पुल के निर्माण के हेड़ डाले हुए, जो भी है ये पता नहीं क्या है, मतलब जिन्होंने पुल दिया उनके नाम वगैरह। यहाँ से आ गया हमारा पावर हाउस, और ये रोड बन चुका है नया, जिसपे मैं अभी चल रहा हूँ, पीछे देख सकते हैं आप। फिलहाल आज बहुत ही बुरे हाल हुए, हाथ देखता बिल्कुल ही काले हुए, तो कट्टी कट लगे इसमें, तो पता नहीं क्या बॉल रखा है लाके, यहाँ धागे ही है ऐसे कि कट ले रहे। 150 का चूना लग गया एक ही दिन में, छड़ी एंट्रियाँ 50-50 की, तो चूने पे चूने लग गए। मैक्सिमम बंदे लगाते हो गए अपने, जो मतलब खेलते हैं जहाँ भी एंट्री मतलब की होगी आप लोगों की, यहाँ पे मतलब एंट्री ऐसी लगती है, हर बारी मैं ठोकता हूँ एंट्री, मेरे पैसे जाते हैं, और लास्ट में मतलब मेरे को ही बोलते हैं यहाँ को चिड़िया की नज़दीक है, इससे डर ही नहीं है। तो मिलते हैं आप बाबू घर में, और एंड ही करेंगे सीधा ब्लॉग, अब है रहा ही नहीं कुछ। तो गाइस फिलहाल ब्लॉग यहीं चलते चलते एंड करते हैं, क्योंकि बेफालतू घर पहुँचाओ, क्योंकि बैटरी नहीं है फ़ोन में, क्या चुपचाप हो जाए, उसका चार्जिंग पर कब होती है फुल्ली इसकी, तो 20 होते हैं इसके।
तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं अब देखते हैं कल परसों चौथे जिस दिन हम अब थोड़े फ्री ऐसे होते हैं। अब स्कूल ब्लॉग आता है तो मतलब कि कल ही का ही होगा वो, अगर मतलब कैसे हॉलीडे ब्लॉग होगा तब मेरे को ना था कल का होगा वो। तो मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, और क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।